लड़की एक लिफ्ट में फंस जाते हैं और अगले 3 दिनों तक वे वहीं फंसे रहते हैं। मगर इस आदमी ने जानबूझकर अपनी हवस बुझाने के लिए इस लड़की को इस लिफ्ट में फंसा लिया था। और ये आदमी इस लड़की के साथ 3 दिनों तक अपनी हवस तो बुझाता ही है, साथ ही इसके साथ बहुत गलत करता है। मगर क्या ये लड़की इस आदमी के इरादों को जानने के बाद इससे बच पाती है या फिर नहीं? फिल्म की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने ऑफिस में देर रात तक काम कर रही होती है। असल में आज फ्राइडे था, ऑफिस 3 दिनों के लिए बंद होने वाला था। जेनिफर अपने मंगेतर को मेल करती है कि वे जल्द ही फ्लाइट पकड़कर वहां पर आ रही है। इसके बाद जेनिफर जल्दी से अपने बैग में कुछ टॉफीज रखती है और लिफ्ट की तरफ चली जाती है। जेनिफर अभी 49वीं मंजिल पर थी। इसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है, वह भी अपना काम जल्दी से निपटाता है। इसके बाद वह आदमी पानी की बोतल और एक शैंपेन की बोतल लेकर निकलता है। जैसे ही लिफ्ट 42 मंजिल पर पहुंचती है, वे आदमी भी लिफ्ट के अंदर आ जाता है। इसके बाद लिफ्ट नीचे की तरफ जाने लगती है। इस बीच वे आदमी जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे भाव नहीं देती। तभी वे आदमी जेनिफर को लिफ्ट की दीवार पर लगी पेंटिंग को देखने के लिए कहता है। जैसे ही जेनिफर उधर देखती है, लिफ्ट रुक जाती है। वे दोनों समझ ही नहीं पाते कि आखिर क्या हुआ। वे दोनों जल्दी जल्दी सारे बटन दबा देते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वे लोग पूरी कोशिश करते हैं कि लिफ्ट खुल जाए, लेकिन सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। वे लोग कैमरे की तरफ देखकर हेल्प मांगते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। असल में इस पूरी बिल्डिंग में इनके सिवाय कोई और नहीं होता। इनकी समस्या तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब इन्हें पता चलता है कि इनके फोन में नेटवर्क भी नहीं है। जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, ये लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये दोनों दरवाजे पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब जेनिफर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि थोड़ी ही देर में जेनिफर की फ्लाइट छूट जाने वाली थी। ये सुनकर वह आदमी जेनिफर की मदद करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि लिफ्ट की छत के सहारे तुम बाहर चली जाओ। जेनिफर उस आदमी के कंधे पर खड़ी होकर लिफ्ट की छत खोलने की कोशिश करती है। छत तो नहीं खुलती, लेकिन जेनिफर के हाथ में चोट जरूर लग जाती है। धीरे धीरे 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो जाता है। अब जेनिफर समझ चुकी थी कि उसकी फ्लाइट छूट गई है। जेनिफर बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। जेनिफर को निराश देखकर वह आदमी कुछ जोक सुनाता है, जिससे कि जेनिफर का मूड ठीक हो सके। जेनिफर को प्यास लगती है तो वह आदमी अपनी पानी की बोतल देता है। साथ ही वह मजाक करता है कि तुम चाहो तो शैंपेन की बोतल भी खोल सकती हो। जेनिफर हंसने लगती है। जेनिफर उस आदमी से पानी की बोतल लेकर पानी पी लेती है, साथ ही उसे टॉफी खाने के लिए देती है। इस तरह 4 घंटे का वक्त बीत चुका होता है। जेनिफर को बहुत तेज पेशाब लगती है। जेनिफर को शर्म आ रही थी, इसीलिए उसने काफी देर रोक रखी थी। जेनिफर कहती है कि किसी अनजान आदमी के सामने उसे ऐसा करते हुए शर्म आ रही है, यहाँ कोई पेशाब करने की जगह भी तो नहीं है। तब वह आदमी कहता है कि शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम उस कोने में पेशाब कर सकती हो, मैं दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाऊंगा। वह आदमी जेनिफर को अपना थर्मस दे देता है। जेनिफर थर्मस में पेशाब कर लेती है। अब वह और ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। धीरे धीरे दोनों और भी नजदीक आने लगते हैं और अपने अपने बारे में बात करने लगते हैं। जेनिफर कहती है कि वह आज रात न्यूयॉर्क जा रही है, वे अपने फियांसी के साथ छुट्टियां एंजॉय करना चाहती थी। वह आदमी कहता है कि उसके लिए तो काम ही सब कुछ है, इसीलिए वह इन छुट्टियों में कुछ खास नहीं करने वाला था। यहाँ पर यह आदमी अपना नाम भी बताता है। इस आदमी का नाम जॉन डिकी होता है। वे दोनों टाइम पास करने के लिए कुछ गेम खेलते हैं। जेनिफर दीवार पर बनी पेंटिंग के साथ एक और पेंटिंग बना देती है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ और भी खुलकर बात करने लगते हैं। जॉन अपनी शैंपेन की बोतल निकाल कर पीने लगता है। जेनिफर भी उसके साथ शैंपेन पीती है। टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे की तस्वीर बनाते हैं। जेनिफर जॉन की बहुत ही फनी तस्वीर बनाती है, लेकिन जब जेनिफर जॉन की बनाई तस्वीर देखती है तो वह हैरान रह जाती है। जॉन ने बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाई होती है। जेनिफर उस तस्वीर की फोटो खींच लेती है। जेनिफर कहती है कि अगर वो जिंदा बची तो इस तस्वीर की वॉलपेपर बनवाएगी। जॉन कहता है कि उसने पहले भी जेनिफर को देखा था, उसने इसलिए नहीं बताया कहीं वो अनकंफर्टेबल ना महसूस करने लग जाए। जेनिफर कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बता सकते हो। उन दोनों को बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए अपना ध्यान भटकाने के लिए वे दोनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं। फिर भी वह काफी बोर हो जाते हैं। अंत में जेनिफर कहती है कि हमें अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बात करनी चाहिए। जेनिफर अपना फोन निकालती है और रिकॉर्ड करते हुए उससे पूछने लगती है। जेनिफर कहती है कि वह अपने किसी सेक्स एक्सपेरिमेंट के बारे में बताए। वह कहती है कि क्या वह कभी किसी लड़की के साथ अजीब जगह पर इंटीमेट हुआ है, लेकिन जॉन शर्माने लगता है और कुछ भी नहीं बताता। तब जेनिफर जॉन के
हाथ में फोन दे देती है और अपने बारे में बताने लगती है। जेनिफर कहती है कि एक बार वह एक लड़के के साथ लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी, जो उसकी लाइफ का सबसे अजीब अनुभव था। जेनिफर फिर से जॉन को अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए कहती है। जॉन फिर शर्माता है। तब जेनिफर उससे कहती है कि तुम कोई झूठी कहानी भी बता सकते हो। तब जॉन कहता है कि एक बार वह अपनी कार में जा रहा था, रास्ते में उसकी कार में एक हॉट सी लड़की आ जाती है और वह अपने कपड़े उतारने लगती है। जॉन इतना कहने के बाद चुप हो जाता है। जॉन कहता है कि उसे लगता है कि कुछ ज्यादा हो रहा है। जेनिफर कहती है कि कोई बात नहीं। जॉन जेनिफर के पास आता है। वे दोनों अब काफी करीब आ चुके थे। वे लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसी बीच जेनिफर अपना हाथ जॉन की पैंट में डाल देती है। इससे वे दोनों काफी खुल जाते हैं और इसके बाद वे दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जॉन कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ। जेनिफर कहती है कि हम दोनों के बीच जो हुआ इसमें कोई इमोशन नहीं था, ऑलरेडी उसकी लाइफ में कोई है। अब जॉन जेनिफर के साथ अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। वे कहता है कि तुम्हारी लाइफ में जो है वे तुम्हारे लायक नहीं है। ये सुनकर जेनिफर गुस्सा हो जाती है। वे जॉन से कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ ये सब यहीं तक है। लिफ्ट के बाहर निकलने के बाद हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। हो सकता है कि हम कभी मिले ही ना। सारी बातें सुनने के बाद जॉन रोने लगता है। जॉन कहता है कि जो भी मैंने तुम्हारे बारे में बताया है वह सब झूठ है। जॉन बताता है कि असल में उसने झूठ कहा था कि वह यहाँ काम करता है। वह रोज जेनिफर को देखा करता है। जॉन बताता है कि उसे जेनिफर का पूरा टाइम टेबल पता है। जॉन उसे एक तस्वीर दिखाता है। वह कहता है कि उसके पास आज की भी वीडियो है जब वह लिफ्ट में घुसी थी। जॉन बताता है कि वह इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। अक्सर लोग गार्ड को याद नहीं करते। अक्सर हम मिलते हैं लेकिन गार्ड की वजह से जेनिफर को उसकी शक्ल याद नहीं होती। ये बताने के बाद जॉन कहता है कि उसने ही इन सब चीजों की प्लानिंग की थी। इतना कहने के बाद वह अपनी जेब से चाबी निकाल कर कहता है कि वह चाहे तो अभी इस लिफ्ट को खोल सकता है। इतना कहकर वह लिफ्ट में चाबी लगा देता है। ये सब सुनकर जेनिफर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जेनिफर कहती है कि वह उसे पुलिस के हवाले कर देगी। ये सुनकर जॉन भी जेनिफर को पकड़ने लगता है। इसी दौरान जेनिफर की लात चाबी पर पड़ती है और चाबी लिफ्ट के अंदर ही टूट जाती है। उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के दौरान जेनिफर जॉन के सर पर वार करती है और जॉन बेहोश हो जाता है। जेनिफर डर जाती है। उसे लगता है कि जॉन मर गया है। जेनिफर जॉन के पास जाती है। उसी वक्त जॉन जेनिफर के बाल पकड़कर नीचे पटक देता है जिससे जेनिफर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जेनिफर को होश आता है। वे देखती है कि जॉन को पहले ही होश आ चुका है। जेनिफर जॉन से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। जॉन बताता है कि वह उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। अगर मैं तुम्हें गार्ड बनकर मिलता तो क्या ये सब हो पाता? तुम कभी भी मेरे साथ इंटीमेट नहीं होती। जॉन कहता है कि ट्यूसडे से पहले यहाँ कोई नहीं आने वाला, तब तक मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो करूँगा। तब जेनिफर कहती है कि तुमने मुझे किडनैप किया है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये सुनकर जॉन दोबारा गुस्सा हो जाता है और जेनिफर पर अटैक कर देता है। जॉन जेनिफर से कहता है कि क्या वह उसे माफ कर सकती है। वे दोनों मिलकर इस लिफ्ट से निकल सकते हैं। जॉन लिफ्ट की सीलिंग तोड़ने लगता है। किसी तरह जॉन छत की सीलिंग खोल देता है। जॉन कहता है कि वह बाहर जाकर मदद ले आएगा। किसी तरह जेनिफर उसे मना लेती है कि वह बाहर जाकर जल्दी मदद ले आ पाएगी। जॉन मान जाता है और जेनिफर उसके कंधे पर बैठकर ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर जाते ही जेनिफर जॉन को कहती है कि अब मरो इसी लिफ्ट में। वह लिफ्ट में लगी सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ती है। जॉन को गुस्सा आ जाता है। जॉन कहता है कि अगर उसने उसे पकड़ लिया तो वह उसे मार डालेगा। इतना कहकर जॉन अपने कपड़ों को इकट्ठा करके लिफ्ट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। जॉन भी ऊपर चढ़ जाता है और जेनिफर के पीछे लग जाता है। जेनिफर जैसे ही किसी तरह दरवाजा खोलने वाली होती है, जॉन उसका पैर पकड़कर नीचे खींच लेता है। दोनों वापस लिफ्ट में गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जेनिफर को पहले होश आता है। वह फायर अलार्म देखती है। तब जेनिफर सिगार जलाकर आग लगाने की कोशिश करती है लेकिन कुछ भी नहीं होता। जेनिफर थोड़े कागज जलाकर फायर अलार्म को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, फिर भी कुछ नहीं होता। उसी वक्त जॉन को भी होश आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ फायर अलार्म वाले हैं ही नहीं। ये सुनकर जेनिफर उस पर अटैक कर देती है। असल में जब जॉन बेहोश था तो उसने उसके हाथ पीछे बांध दिए थे। वह कहती है कि अगर तुमने सब कुछ कबूल नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जॉन काफी घायल था, वह मान जाता है। जेनिफर उसका वीडियो बनाने लगती है जिसमें जॉन सब कुछ कबूल करता है कि कैसे उसने जेनिफर को लिफ्ट में फंसाया।
उसे पुराने और अच्छे दिन याद आने लगे, इसीलिए वह जेनिफर के साथ डेट पर जाना चाहता था। जेनिफर पूछती है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना। तब जॉन कहता है कि अक्सर वह उसे देखता रहता था, इसीलिए वह उसे पसंद करने लगा था। इसी तरह टाइम बीतने लगता है। उसी वक्त एक और सिक्योरिटी गार्ड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पर चोरी चोरी आता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने के लिए आया था। वह जॉन को खोजने लगता है, लेकिन उसे जॉन कहीं नहीं मिलता। तब वह कैमरे की फुटेज देखता है, जिसमें पता चलता है कि जॉन और एक लड़की लिफ्ट में फंसे हुए हैं। वह गार्ड माइक में कहता है कि वह उन दोनों को बचाने के लिए आ रहा है। तब जेनिफर गार्ड से कहती है कि वह जल्दी आए। गार्ड तुरंत पहुंचता है और एक रॉड से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। जेनिफर उसे पूरा दरवाजा खोलने के लिए कहती है। तब जॉन जेनिफर को पीछे करके उसका मुंह बंद कर लेता है। जॉन गार्ड को अंदर आने के लिए कहता है। जैसे ही गार्ड अंदर आता है, जॉन उसे मार देता है। इसी के साथ वो जेनिफर को भी बेहोश कर देता है। जॉन जेनिफर को लेकर अपनी गाड़ी की डिक्की में डालता है। उसके बाद अपने शरीर को साफ करके गार्ड की ड्रेस पहनता है। जॉन सिगार को भी अपने पास रख लेता है। इसके बाद वह कैमरे की फुटेज भी डिलीट कर देता है। तभी उसे गार्ड की गर्लफ्रेंड दिखाई देती है। जॉन उसे भी मारकर लिफ्ट के नीचे ही फेंक देता है। इसके बाद जॉन गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। असल में वो जेनिफर को भी ठिकाने लगाना चाहता था, ताकि कोई सबूत ना बचे। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक कचरे का डिब्बा मिलता है। जॉन उसमें तेल डालने लगता है, जिससे कि आग लगा सके। इसके बाद जॉन जेनिफर के पास आता है। तब तक जेनिफर को होश आ चुका था, लेकिन वह बेहोश होने का नाटक कर रही थी। जॉन जेनिफर से कहता है कि अब वह जेनिफर को पसंद करता है, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि उसे जेनिफर को मारना पड़ेगा। जैसे ही जॉन वापस मुड़ता है, जेनिफर पीछे से उस पर वार कर देती है। उसके बाद वह गाड़ी लेकर आगे जाती है। अचानक से उसकी निगाह जलते हुए सिगार पर पड़ती है। जेनिफर गुस्से में वापस गाड़ी बैक करती है और जोर से जॉन को टक्कर मारती है। जॉन सीधा कचरे के डिब्बे में जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। ये वही कचरे का डिब्बा होता है जिसमें जॉन ने तेल गिराया होता है। जेनिफर सिगार को कचरे के डिब्बे में फेंक देती है, जिससे उसमें आग लग जाती है और जॉन जिंदा ही जल जाता है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी, हमें